Very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new video. So this is our part 3 for trigonometric function, all concepts and rules. So in this lecture I am going to find out the rules to change the function. For example, if you want to change the sine function into another function, you can change. How it is changed and what are the conditions that we have to do change. So look at the board. अभी आप किसकी बात कर रहे हैं? Quadrants की बात कर रहे हैं. And you know, number of quadrants is 4. So this is what? This is our first quadrant. And this is our second quadrant. This is what? Third quadrant. And this is what? Fourth quadrant. So we have 4 quadrants. In first quadrant, the angle is 0 degree to 90 degree. And second quadrant is what? 90 degree to 180 degree. And third quadrant is what? 180 degree to 270 degree. And fourth quadrant is what? 270 to 360 degree. ये आपको already आपको पता है. अब आपको करना क्या है? अब हमारे पास function कौन-कौन से होते हैं और कौन से function किस quadrant में positive होते हैं वो आपको समझना है. कि हम first quadrant की बात करते हैं तो first quadrant में सभी फंक्शन पॉजिटिव होते हैं. फॉर एग्जांपल रूल 1 नोट करते जाइएगा. दिस इज रूल 1. यदि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, इट मींस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज positive. And you know what are the trigonometric function? We have 6 trigonometric function. It means sine theta, cos theta, tangent theta, and their reciprocal is what? Sine reciprocal is what? Cosecant theta. Cos reciprocal is what? Secant theta. And tangent reciprocal is what? Cot theta. तो जब आपका कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल लाई करता है और उस एंगल पे आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सो द आंसर इज व्हाट? पॉजिटिव. अब वैल्यू क्या होगी वो हम कैलकुलेट करेंगे. सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी. ये हमारा स्टेप 1 है. फॉर एग्जांपल जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, कहता हूं आपको फाइंड द साइन, आपको साइन बताना है कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा ऑफ sin 60 degree. अब आपको पता है 60 degree, 60 degree कौन से quadrant में lie करता है? First quadrant में. तो first quadrant में sin 60 क्या होगा? Positive. तो answer क्या आएगा आपका? Positive आएगा. इसी type से मैं कहता हूँ sin 80 degree, answer positive आएगा या negative आएगा? आप direct लिख दोगे answer is positive क्योंकि first quadrant है. इसी type से मैं quadrant function को change कर सकता हूँ. मैं लिख देता हूँ tangent 75 डिग्री, आंसर क्या आएगा आपका? ओके पॉजिटिव आएगा. क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं. तो जब आपका आप एंगल को चेक करिए और एंगल आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उस पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं. तो दिस इज रूल 1. सो प्लीज मेक अ नोट. अब हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है? 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में यदि कोई एंगल आता है तो उस पे कौन-कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं और कौन-कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं. सो प्लीज मेक अ नोट. यहां पे जो फंक्शन है sin थीटा, और sin थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेकेंट थीटा. हम किसकी बात कर रहे हैं? सेकंड क्वाड्रेंट की. तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है आपका? sin थीटा एंड कोसेकेंट थीटा क्या होते हैं? ये आपको पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, जबकि जो रिमेनिंग फंक्शंस होते हैं उन सब की वैल्यू क्या मिलती है? नेगेटिव. तो मैं यहां लिख सकता हूं टेंजेंट थीटा हो या इसका रेसिप्रोकल कोट थीटा, वो भी नेगेटिव होंगे. कोस थीटा या कोस थीटा का रेसिप्रोकल इज सेकंट थीटा, ये सारे क्या होंगे? नेगेटिव. ये आपको वैल्यू क्या देंगे? नेगेटिव वैल्यू देंगे. फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, आपको आंसर बताना है कि उसका आंसर क्या होगा. यहां देखिए ध्यान से, मैं क्वेश्चन कहता हूं आप बताइए
साइन 135, आपको आंसर पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा? आप कहोगे 100% पॉजिटिव आंसर मिलेगा। क्यों? क्योंकि 135 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? सेकंड में। और सेकंड में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है? साइन, और साइन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये आंसर हमें क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। अब मैं दूसरा क्वेश्चन कहता हूं, मुझे ये बताइए कोस 160 डिग्री क्या आंसर आएगा? कोस 160 डिग्री। आप कहोगे सर ये आंसर तो नेगेटिव आएगा। मैं कहूंगा बिल्कुल करें। क्यों? क्योंकि 160 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? सेकंड में। और सेकंड में सिर्फ दो ही क्वाड्रेंट पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेकेंड। जो भी रिमेनिंग रह गए वो क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो ये कोस 160 क्या देगा आपको? नेगेटिव देगा। एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। मैं कहता हूं टेंजेंट 120 डिग्री की वैल्यू बताइए क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी? आप डायरेक्ट लिखोगे सर इसका आंसर तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि 120 भी कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो टेंजेंट भी नेगेटिव ही होता है। सो आंसर इज नेगेटिव। सो प्लीज मेक अ नोट। रूल थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में जो टेंजेंट फंक्शन होता है, और टेंजेंट फंक्शन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोट फंक्शन। सो ये दोनों फंक्शन क्या होते हैं? पॉजिटिव। और जो रिमेनिंग फंक्शंस होते हैं, रिमेनिंग कौन कौन से हो गए? साइन और कोसेकेंट। मैं अगेन लिख रहा हूं क्योंकि आपको ये टिप पे याद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोस थीटा और कोस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेकेंट थीटा। ये सारे के सारे क्या देंगे आपको? नेगेटिव आंसर देंगे। तो मेरा क्वेश्चन सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन जवाब दीजिए फटाफट 1 सेकंड में। आप बताइए साइन 225 इसका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? 1 सेकंड के अंदर जवाब दीजिए। नेगेटिव आएगा। यस, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि 225, 225 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? 180 और 270 के बीच में, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ दो ही पॉजिटिव होते हैं, या तो टेंजेंट फंक्शन होता है या कोटेंजेंट फंक्शन। तो यहाँ पे तो साइन है, इसका मतलब आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, दोबारा दूसरा क्वेश्चन बताइए मुझे फटाफट 1 सेकंड के अंदर। फटाफट बताइए टेंजेंट 260 डिग्री कितना आएगा? आपने फटाफट आंसर दे दिया, आंसर इज पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव आया? क्योंकि सर ये तो 260 डिग्री है, और 260 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट तो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। तो व्हाई आर यू वेट, प्लीज मेक अ नोट। नाउ रूल फोर्थ, क्वाड्रेंट फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट कौन कौन से फंक्शन रह गए आपके? एक कॉस फंक्शन, और दूसरा कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेकेंड फंक्शन। सो कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेकेंड, ये फंक्शन इसमें पॉजिटिव। और जो रिमेनिंग्स है, मैं यहां डायरेक्ट लिख देता हूं रिमेनिंग्स। रिमेनिंग्स क्या रहेंगे? नेगेटिव। सो अब फिर आप क्वेश्चन का जवाब दीजिए मेरा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 बताइए मुझे साइन 320 डिग्री आंसर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव? आप लिख दोगे आंसर सर नेगेटिव, साइन 320 तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन तो नेगेटिव होता है। मैं पूछता हूं कोस 310 की वैल्यू बताइए, आपका आंसर इमीडिएटली आ गया सर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 310 तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कोस पॉजिटिव होता है। फिर मैं एक क्वेश्चन करता हूं मुझे फटाफट बताइए सेकंड 330 की वैल्यू कितनी आएगी? आपका आंसर आ गया सर ये भी पॉजिटिव आएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा? क्योंकि 330 भी कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो सेकंड भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है, क्योंकि सेकंड किसका रेसिप्रोकल होता है? कोस का रेसिप्रोकल होता है। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ प्लीज मेक अ लुक। अब और भी मैंने क्या कर दिया, एक ही टेबल में आप देख सकते हो कि दिस इज फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है 0 से 90। यदि आपको कोई एंगल 0 से 90 के बीच में मिल रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? पॉजिटिव। यदि सेकंड क्वाड्रेंट एंगल आपको 90 से 180 के बीच में मिलता है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और इसमें साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल ही पॉजिटिव होंगे, और रिमेनिंग क्या होंगे? नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है? यदि आपको 180 से 270 के बीच में एंगल मिलता है तो थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल कोट थीटा, ये पॉजिटिव है, रिमेनिंग क्या है? नेगेटिव। सेम फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से लेकर 360 डिग्री के बीच में है, कौन सा क्वाड्रेंट? कोस थीटा, और उसका रेसिप्रोकल सेकंड थीटा, ये पॉजिटिव मिलेंगे, और रिमेनिंग क्या मिलेंगे?
नेगेटिव। सो प्लीज मेक अ ड्रॉ ऑफ दिस टेबल एंड याद रखना बिल्कुल क्वाड्रेंट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी हेल्प से ही आप आगे प्रोसीड करोगे रूल्स के लिए। तो इट्स वेरी इजी, एक आप अच्छी तरह देखोगे तो आपको दो मिनट में ये लर्न हो जाएगी। सो प्लीज मेक अ नोट अगेन, क्योंकि मैं इसको अब रब करने जा रहा हूँ। तो आप ध्यान दीजिए, अब हम ट्रिग्नोमेट्रीज एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आपको टेबल याद होगी, यदि याद नहीं है तो आप यू कैन वॉच माई पार्ट वन वीडियो, उसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बिल्कुल ईजी वे से आपको सिखाया है कि कैसे आप लर्न कर सकते हो विदाउट एनी क्रेमिंग। अब उन टेबल के हेल्प से हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। अब आप कहोगे सर ट्रिग्नोमेट्री की जो आपने टेबल बनाई थी वो तो ओनली पर्टिकुलर फाइव एंगल्स पे बनाई थी, किस किस एंगल पर? आपने सर 0 डिग्री पर करी थी, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, बट एंगल्स तो और भी है, बहुत सारे एंगल्स है, तो उन एंगल्स की कैसे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? अभी हम कोशिश करेंगे, क्योंकि जितना हम मैन्युअली कर सकते हैं विदाउट यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपके पास क्या अवेलेबल होता है? साइंटिफिक कैलकुलेटर। बट विदाउट साइंटिफिक कैलकुलेटर भी हम कुछ एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो कौन कौन से एंगल है जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हो विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, वो हमें यहाँ सीखने हैं। तो इनकी हेल्प से हम डिफरेंट एंगल और भी है ऐसे एंगल जिनके वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करेंगे उसको देखिए ध्यान से, इसको हमें रूल रीड करने हैं क्वाड्रेंट चेंजिंग फॉर्मूला। अब ध्यान से समझिएगा, अब हमें रीड करना है सबसे पहले क्वाड्रेंट चेंजिंग रूल्स। अभी तक हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि क्वाड्रेंट्स पे वैल्यू पता लगाना कि ये हमारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव। अब वैल्यू तो पता चल गई पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव, अब वो वैल्यू क्या आएगी वो हमें सीखनी है। तो इसके लिए आपको एक रूल और याद रखना है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन की हेल्प से आपको बेटर वे से क्लियर होगा कि हमें करना क्या है। फॉर एग्जांपल आपसे कहता हूँ मैं साइन 120 डिग्री की वैल्यू बताइए, क्या होती है वैल्यू? आप कहोगे सर ये तो आप 30 में बना सकते हो, 0, 40, 60, 90 बता सकते हो, लेकिन 120 तो रेंज में आता है, तो मैं बताऊंगा कैसे? आप बता सकते हो, इट्स वेरी इजी। उसके लिए आपको कुछ क्वाड्रेंट रूल्स चेंजिंग रूल्स आपको रीड करने हैं। वो रूल्स क्या है मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले आपको जो भी एंगल दिया हुआ है उस एंगल को लिखने का वे चेंज करना है। वे चेंज करने का मतलब क्या है? स्पीकिंग चेंज करनी है। जैसे 120 है तो 120 को आप डिफरेंट वे से बोल सकते हो। कैसे बोल सकते हो? मैं ये बोल सकता हूँ 10 + 110, ये भी 120 होता है। मैं बोल सकता हूँ 100 + 20, ये भी 120 होता है। मैं ये भी बोल सकता हूँ 90 + 30, ये भी 120 होता है। इसका मतलब 120 को बोलने के तो बहुत से वे हैं। जैसे मैंने पॉजिटिव करके बताया, मैं इसको नेगेटिव करके भी बता सकता था। मैं कहूंगा 130 - 10, 120 होता है। 140 - 20, ये भी 120 होता है। 150 - 30, ये भी 120 होता है। इसका मतलब तो बहुत सारे वे हैं। तो आपको कौन सा वे अप्लाई करना है उसके लिए ध्यान दीजिए। हमें अपने एंगल, जो भी आपके पास एंगल होगा, उसको दो एंगल में ब्रेक करना है। दो एंगल में कौन कौन से एंगल? एक एंगल तो 90 की हेल्प से बनाइए, या मैं कह सकता हूं आपको चार एंगल में ब्रेक करना है, बना सकते हो तो बनाइए। 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। मतलब आप अपने 120 डिग्री को एंगल को ऐसे टाइप से देखिए कि उसमें एक एंगल क्या बने, 90 बने या 180 बने या 270 बने या 360 बने, एक एंगल ये बने। और दूसरा एंगल कौन सा बनना चाहिए इन एंगल में से? सेकेंड एंगल कौन सा होना चाहिए? या तो 0 डिग्री का होना चाहिए, या 30 डिग्री का, या 45 डिग्री का, या 60 डिग्री का, या 90 डिग्री का। तो ये आपका फर्स्ट एंगल है, ये आपका सेकेंड एंगल है। आपको अपने माइंड में सेट करना है, किसी भी एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसको ब्रेक करना है, इसको दो पार्ट्स में लिखना है। अब दो पार्ट्स का यूज कैसे करना है इसका? पहला पार्ट्स क्या होना चाहिए? पहला पार्ट्स इन चारों में से कोई एक होना चाहिए, दूसरा पार्ट्स इन सब में से कोई एक होना चाहिए। चल को ऐड करके बनाओ, चल को माइनस करके बनाओ, आपकी मर्जी, एज यू विश। अब कैसे करते हैं देखिए, मैं 120 को इसी टाइप से लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं। 90 और 30 को मैं यदि ऐड करता हूं तो 120 बनता है। Yes, आपको के बिल्कुल बनता है। इसका मतलब मैं साइन 120 को लिखना चाहूं, 120 एंगल को ब्रेक करना चाहूं, तो मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूं? इसको लिख सकता हूं मैं
90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूं। आपको कहोगे बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 90 और 30 को ऐड करेंगे 120। आपने कुछ नहीं करा, सिर्फ क्या करा था, आपके पास 10 रुपए थे, आपने इसको चेंज कर दिए कितने में, 5-5 रुपीज में। तो 5-5 कितने हुए, 10 ही हुए ना, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। तो हमने यहाँ पे क्या करा, इसको चेंज कर दिए। तो उसके पास 120 के चेंज नहीं थे, तो आपने 20 के चेंज कर दिए, उसको 90 रुपीज प्लस 30 रुपीज दे दिया। तो आपको सिंपली चेंज करना है, जैसे आप मनी को चेंज करते हो ना, ऐसे ही चेंज करना। अब एक स्टूडेंट खड़ा हुआ, सर 90 प्लस 30 लिखा, मैं तो इसको एक तरीके से और भी लिख सकता हूँ। मैंने कहा कौन सा, उसने कहा सर मैं इसको 180 माइनस 60 कर दूं तो भी तो मेरा 120 आता है। आपने कहा ना कि एक एंगल ये होना चाहिए, सेकेंड एंगल ये होना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक है। आपने क्या कहा, साइन 120 को मैं ये भी लिख सकता हूं, साइन 180 माइनस 60। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। फिर अब क्वेश्चन वही था, सर ये ठीक है या ये ठीक है, क्या एक क्वेश्चन के दो आंसर आ सकते हैं? मतलब बिल्कुल नहीं आ सकते, एक क्वेश्चन में तो उसका एक ही आंसर आएगा। तो सर ये तो दो आंसर आ गए, नहीं इसका आंसर भी सेम आएगा और इसका आंसर भी सेम आएगा, चाहे आप किसी मेथड से भी करो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अब कैसे सेम आएगा, पहले तो हमने वे सीखा कि आपको कैसे लिखना है, इस वे से लिखना है। आई होप आपको समझ आया होगा। अभी हम इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करना सीखेंगे, पहले आप वे लिखिए, पहला वे ये हो गया। अब दूसरा तरीके लिखिए, जरूरी नहीं है मैं 120 लिखता हूं, और लिखिए, प्रैक्टिस करते हैं पहले। अब एक क्वेश्चन है, आप मुझे फटाफट बताइए, cos 210 डिग्री है तो फटाफट बताइए इसको कैसे लिख सकते हैं, फटाफट। आप कहोगे सर इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 180 डिग्री प्लस में 30 डिग्री। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 180 और 30 को ऐड करते 210 आता है, इट्स करेक्ट। तभी एक स्टूडेंट बोला नहीं नहीं सर ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं, cos 210 को ये भी तो लिख सकता हूं cos 270 माइनस 60, ये भी तो लिख सकता हूं। मैंने कहा 100% ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसको क्या देखा आपने कि हर एंगल को आप दो टाइप से लिख रहे हो, इसका मतलब आपके पास दो रूल्स है, तो आप दो अलग अलग तरह से सोच सकते हो, लेकिन आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। तो आप ऐसे किसी भी एंगल को ब्रेक करके आप लिख सकते हो, सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ प्लीज लुक एट, अब आपको करना क्या है, आपने ये देख लिया कि किसी भी क्वाड्रेंट एंगल को कैसे ब्रेक करते हो, अब आप वैल्यू फाइंड आउट करना सीखेंगे। कैसे फाइंड आउट करना सीखेंगे, आप ध्यान से देखिए, इट्स वेरी वेरी इजी। फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन है, इवैल्यूएट करिए, या कहता है क्वेश्चन फाइंड बताइए साइन 120 की डिग्री की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो आप बताइए कि क्या आंसर आएगा। तो पहला स्टेप, यदि आपका एंगल 0 से 90 डिग्री से बड़ा है तो उसको ब्रेक करना है, ब्रेक करिए। इसको आपने ब्रेक कर लिया, कैसे ब्रेक कर सकते हो, 90 डिग्री प्लस में 30 डिग्री। और दूसरा तरीका से भी बता रहा हूं साथ साथ, इसको दूसरे तरीके से क्या लिख सकते थे, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो हम चेक कर लेंगे, क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि आंसर सेम आएगा या नहीं आएगा। पहला रूल था ये, अब ध्यान से देखिएगा। अब हमें सबसे पहले ये पता लगाना है कि जो ये हमारी वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। अब सबसे पहले देखिए 120 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट है। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, साइन और साइन का कोसेकेंट। यहाँ पे साइन है, इसका मतलब हमें आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे साइन पहले ही लिख लीजिए, आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ भी लिख लीजिए आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इतना समझा गया क्या, कौन सा जो मिलेगा पॉजिटिव आएगा। अब आपको समझना है, अब रूल्स समझने हैं। अब रूल्स को मैं लिख रहा हूं यहां पर, तो एक बार रूल्स को नोट कर लीजिएगा, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब पहला रूल है, यदि आपका एंगल 90 डिग्री प्लस या माइनस करके थीटा बनता है, थीटा का मतलब यहां पर कुछ भी है, 90 प्लस 30, 90 प्लस 60, 90 माइनस 30, 90 माइनस 45, मतलब एक एंगल 90 और दूसरा एंगल प्लस माइनस करके 0 से 90 वाला कोई भी एंगल आए। यदि ये एंगल आता है, या दूसरा रूल है 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा। फॉर एग्जांपल बता देता हूं आपको, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं ये लिख देता हूं साइन 90 प्लस 30, इस फॉर्म में आ गया। इसको ये लिख देता हूं मैं कॉस 90 माइनस 30,
इस फॉर्म में ये, और एग्जांपल ले लेते हैं इसी का, टेंजेंट। अब 90 की वजह कुछ और ले लेते हैं, अगला एंगल कौन सा है, 270, 270 प्लस 60 डिग्री, या टेंजेंट 270 माइनस 60 डिग्री। क्या समझ आया कि एक एंगल तो 90 या 270 में से होना चाहिए, फिर प्लस माइनस करके 0 या 90 वाले में से जो हमने 5 एंगल्स रीड करे थे उस एंगल्स में एक एंगल होना चाहिए। तो यदि आपको इस फॉर्मेट में कोई भी फंक्शन मिलता है, 90 डिग्री आना चाहिए और 270, तो वहां पर जो हमारा फंक्शन है वो फंक्शन हो जाता है चेंज। मैं यहां लिख देता हूं, यहां पे क्या होता है, फंक्शन गेट्स चेंज, फंक्शन गेट्स चेंज। यहां पे ऐसा आने पे फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब चेंज हो जाएगा तो नया फंक्शन कौन सा मिलेगा आपको, वो सीखना है। आप सीखिए जरा रूल्स, यहां पे लिखता हूं मैं रूल्स, या सबसे पहले आप इसको एक बार नोट करिए, फिर मैं चेंजिंग रूल्स लिखता हूं। यहां पे क्या होगा, चेंज होगा, सो प्लीज मेक अ नोट। अब नोट करिए, चेंज होगा तो कौन सा फंक्शन किस फंक्शन में चेंज होगा, तो मैं यहां लिख रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। यदि साइन फंक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा कोस फंक्शन में, तो आपको बस साइन है तो आपको क्या मिलेगा, कोस मिलेगा, और यदि आपको कोस है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, साइन। तो दे क्या है, वाइस वर्सा भी है, साइन फंक्शन चेंज किस में होता है, कोस फंक्शन में, और कोस फंक्शन किस में चेंज होगा, साइन फंक्शन में। इसी टाइप से यदि आपके पास टेंजेंट फंक्शन है तो वो चेंज किस में हो जाएगा, कोट फंक्शन में, किस में चेंज होगा, कोट फंक्शन में। और सेम टू सेम टू सेम व्हाट, यदि आपको बस कोट फंक्शन होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, टेंजेंट फंक्शन में। अब कौन सा रह गया, एक रह गया सेकेंड फंक्शन, यदि सेकेंड फंक्शन है तो वो चेंज किस में होएगा, कोसेकेंट फंक्शन में, और कोसेकेंट फंक्शन है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन में। तो आप इसको याद रख लीजिएगा, चेंज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको हमेशा याद रखना है कि कौन सा फंक्शन चेंज होता है, साइन किस में चेंज होता है, कोस में, टेंजेंट किस में, कोट में, सेकेंट किस में, कोसेकेंट में। इट्स वेरी इजी, आई होप आपको इसी से समझ आई होगी। कंडीशन क्या थी, जो आपका एंगल 90 प्लस माइनस थीटा से बने या 270 प्लस माइनस थीटा से बने तो ही चेंज होगा, जिस एंगल आपका दूसरा है तो क्या होगा, नो चेंज। इसका मतलब क्या है, मैं यहीं पर लिख देता हूं, या सबसे पहले इसको मेक अप नॉट फर्स्ट नाउ। अब किस फंक्शन पे चेंज नहीं होगा, जब 90 और दूसरा क्वाड्रेंट को समझा 180, सो 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो या 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो, इस पे क्या होगा, नॉट चेंज। इस पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, इसका मतलब साइन है तो साइन ही रहेगा, कोस है तो कोस ही रहेगा। तो ये रूल आपका सेकंड है। तो चेंजिंग किसको होएगा, अगेन बता रहा हूं, 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा पे। और यदि आपका एंगल 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा से बनता है तो कोई भी चेंज नहीं होगा। सो प्लीज पॉज द वीडियो और अगेन नोट इट इन योर रूल्स नोटबुक। अब देखिए कितना आसान था, अब हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे कैलकुलेट करना। सबसे पहला पार्ट क्या था, इसको ब्रेक करना, हमने ब्रेक कर दिया। फिर चेक करना था कि पॉजिटिव वैल्यू देगा या नेगेटिव, आपको पता था 120 सेकंड क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव आंसर मिलेगा, पॉजिटिव आंसर मिलेगा। अब देखिए किससे बना हुआ, ये 90 से, और 90 से क्या मतलब क्या होता है, चेंज। यहां पे क्या होगा, चेंज होगा। अब साइन फंक्शन किस में चेंज होता है, कॉस में, यस एब्सोल्युटली राइट। सो आपका आंसर क्या मिलेगा, कॉस। और फिर 90 के अलावा जो एंगल है उसको लिख लीजिए, क्या लिखा है दूसरा एंगल, 30, तो आपको क्या मिला, कॉस 30 डिग्री। अब यहां जाइए, क्या है 180, और आपको पता है 180 पे चेंज नहीं होता, तो भाई साइन तो साइन ही रहेगा क्योंकि ये चेंज नहीं हो सकता। एंगल कितने डिग्री का है, 60, यहाँ पे आपको प्लस माइनस नहीं देखना,
आपको सेकंड एंगल देखना है, सेकंड एंगल क्या है यहाँ पे 60, तो आपको साइन 60। और आपको टेबल याद है, यदि याद नहीं है तो एक बार अपने टेबल को ओपन करिए, चेक करिए cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, आपको आंसर मिलेगा √3/2। साइन 60 की वैल्यू फिर चेक करिए, आपको साइन 60 की वैल्यू भी कितनी मिलती है, √3/2 ही मिलती है। इसका मतलब क्या है, दोनों आंसर सेम है, चाहे आप इस मेथड को यूज करो चाहे इस मेथड को, आपका आंसर क्या आएगा, सेम। तो अब तक आई होप आपको प्रैक्टिस हो गई होगी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की, यदि नहीं भी हुई तो मेरी वीडियो को दोबारा देखिए, 3-4 बार आप ड्रॉ करोगे, मेक बनाओगे, तो बिल्कुल इजी वे से आपको ये टेबल क्या हो जाएगी, लर्न हो जाएगी। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं और आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, आपको फाइंड करना है ऑल फंक्शन, आपको सभी फंक्शन फाइंड आउट करने हैं एट थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री पर, आपको सभी फंक्शन फाइंड आउट करने हैं। इट्स वेरी इजी है, आप स्टार्ट करिए। सबसे पहला फंक्शन आपका क्या होता है, साइन। देखिए पहला फंक्शन आपका क्या है, साइन, वैल्यू कौन कितनी है 135। स्टेप वन क्या होता है, सबसे पहले इसको ब्रेक करना, 135 को क्या लिख सकते, सोचिए 90 प्लस 45 लिख सकते हो, तो 90 डिग्री प्लस 45। आपने ब्रेक करने के बाद दूसरा स्टेप कौन सा होता है, इसकी वैल्यू चेक करना, पॉजिटिव या नेगेटिव, 135 कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, इसका मतलब आपको आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव। सेकंड स्टेप इसमें क्या होता है, देखिए 90 डिग्री, 90 डिग्री पे फंक्शन चेंज, तो साइन फंक्शन किस में चेंज होता है, कॉस फंक्शन में, और एंगल जो भी है उसको लिख लीजिए 45। और आपको पता है कॉस 45 कितनी होती है, 1/√2। सो अपनी ट्रिग्नोमेट्री टेबल को ओपन करिए, फटाफट नोट करते जाइए, सेकंड एंगल कौन सा है, कॉस। अब हम सेकंड की बात करते हैं, कॉस 135 डिग्री, स्टेप वन सेम है, ब्रेक करके लिखना है इसको, क्या लिखेंगे, सेम 90 प्लस 45 अगेन। अब देखिए कौन सा क्वाड्रेंट है हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट है, अब हम किसकी निकालना वैल्यू चाह रहे हैं, कोस की, और कोस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। 90 है, 90 पर चेंज होगा, कोस किस में चेंज होता है, साइन में, एंगल कितने डिग्री का है, 45 डिग्री, इसका मतलब 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तब एक नोट करिए ध्यान से, जो इंपॉर्टेंट चीज है, साइन थीटा और कोस थीटा की एक एंगल पर वैल्यू सेम होती है, वो एंगल होता है 45। देखिए 45 पे क्या होती है वैल्यू, 1/√2 होती है। तो आपको इसको सिंपल याद हो गया, आपको साइन और कोस की एक एंगल पर वैल्यू सेम होती है 45 डिग्री पर, क्या वैल्यू होती है, 1/√2। आई होप आपको इसी समझ में आई होगी और लर्न भी हो गई होगी इजिएस्ट मैनर में। नाउ लुक एट द थर्ड पार्ट, व्हाट इज दिस, टेंजेंट। अब ये टेंजेंट आपको 135 निकालना है, स्टेप इज सेम, क्या लिखोगे इसको, टेंजेंट 90 प्लस 45 अगेन। सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है, और 90 पे टेंजेंट किस में चेंज होता है, कोट में, सो दिस बिकम्स कोट 45, और कोट 45 कितना होता है, 1, तो आपका आंसर क्या आ गया, -1। इसी टाइप से आप किसी भी एंगल की किसी भी फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं अभी एक क्वेश्चन और लेने जा रहा हूँ, ताकि आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए उसको अटेम्प्ट कर सको। सो प्लीज मेक अ नोट। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको फाइंड करना है सेकेंड फंक्शन, कोसेकेंड फंक्शन, कोट फंक्शन एट थीटा इज इक्वल टू 300 डिग्री पर, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इट्स इजी, स्टार्ट करिए, पहला पार्ट क्या है आपका, सेकेंड थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 300 डिग्री। पहला स्टेप क्या होता है कि इसको ब्रेक करिए, इसको क्या लिख सकते हो, इसको दो पार्ट्स में लिख सकते हो, या तो 270 प्लस 30 लिख दीजिए, या इसको क्या लिख सकते हैं, 360 माइनस 60 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप देखिए पहले कौन सा क्वाड्रेंट है, 300 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेकेंड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि कोस और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, इसका मतलब आपको आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। अब 270 पर चेंज होता है, सेकंड किस में चेंज होता है, कोसेकेंट में, इसका मतलब आपको कोसेकेंट मिलेगा, एंगल कितना डिग्री का है, 30 डिग्री।
और कोसेकेंट 30 कितना होता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, उसको उल्टा कर दो 2, तो आपका आंसर क्या मिलेगा, प्लस 2, ये आपका आंसर आ गया। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, कोसेकेंट 300, सेम स्टेप, कोसेकेंट 300 प्लस 30। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेकेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए आपका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। एंड सॉरी क्या लिखा मैंने, 270 प्लस 30। एंड कोसेकेंट किस में चेंज होता है, सेकेंट में, तो सेकेंट एंगल कितना डिग्री का है, 30, और सेकेंट 30 मतलब कोस 30 का उल्टा, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 3/2, तो इसको उल्टा कर दीजिए, आंसर क्या आएगा, माइनस के 2/√3। सेम कोट पे चेक करना चाहते हैं, कोट पे चेक करिए, कोट 300 किसके इक्वल आ गया, कोट 270 प्लस 30 डिग्री। अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट में कोट भी नेगेटिव होता है, क्योंकि दो ही पॉजिटिव होते हैं कोस और सेक, उसका रेसिप्रोकल सेकेंट, तो ये भी नेगेटिव मिलेगा। 270 पे कोट किस में चेंज होता है, टेंजेंट में, एंगल एज इट इज, और टेंजेंट 30 कितना होता है, 1/√3, तो आपका आंसर क्या मिल गया, माइनस के 1/√3 आपका आंसर आ गया। सो प्लीज मेक अ नोट। अब जैसे आपको क्वेश्चन निकालना है, अब मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं, फाइंड करिए टेंजेंट 7π/6, ये फाइंड आउट करना है, और क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको फाइंड आउट करना है सेकेंड 3π/4 फाइंड आउट करना है। यदि स्टेप से फाइंड आउट करना आ जाए तो कैसे करेंगे, आपको पता है यहाँ पे पाई है, पाई का मतलब जो एंगल है वो किस में गिवन है, रेडियन में, किस में गिवन है, जो एंगल है वो इन रेडियंस में है, और आपको पता है रेडियंस को हम डिग्री में चेंज कर सकते हैं, वेरी इजी होता है, कैसे चेंज करते हैं, 7π/6 है और पाई को क्या लिख दो आप, 180, तो ये क्या बन गया सिंपली 7 × 180/6, सो 6 से कट करिए कितना बन गया आपको, 30 इंटू 7 × 30 कितना बन गया, 2 × 110 डिग्री। इसी टाइप से आपको 3π/4 निकालना, 3π/4 इसका मतलब क्या है, पाई का मतलब 180 डिग्री बाय 4, 4 पे कट करोगे कितना आएगा 45, और 45 × 3 कितना हो गया, 135 डिग्री। तो इससे आप पजल में, तो ये पाई में दे रखा है तो आप उसको किस में चेंज कर लो, डिग्री में चेंज कर लो, आसानी से निकाल सकते हो। अब हमारे पास एंगल आ गए, अब अप्लाई करिए, आपको निकालना क्या था, टेंजेंट 7π/6, और आपको पता है 7π/6 को क्या लिखते हैं हम, 210 डिग्री, और 210 डिग्री को हम किस में प्रिंट करेंगे, इसको आप लिख सकते हो 180 प्लस 30, क्यों, क्योंकि 180 प्लस 30 210 ही होता है। अब एंगल देखिए, 210 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है, पॉजिटिव, इसका मतलब आपको आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव। अब आ गया 180, आपको पता था सिर्फ 90 और 270 पर चेंज होता है, तो 180 पर नो चेंज, तो आपको टेंजेंट का फंक्शन टेंजेंट ही मिलेगा, और एंगल कितने डिग्री का है, 30, और टेंजेंट 30 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 1/√3, तो आपका आंसर क्या आ गया, 1/√3 आ गया। ऐसे ही आप किसका निकाल सकते हो, सेकेंड का निकाल सकते हो, आई होप आपको समझ आया होगा। सो डू मेक अ नोट। नाउ लुक एट, अब क्वेश्चन किस टाइप से आया आप देखिए ध्यान से, एक थोड़ा और पजल वाला क्वेश्चन देता हूं, आपको फाइंड करना है टेंजेंट -135 डिग्री। अभी तक तो आपका एंगल पॉजिटिव था, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेगेटिव के लिए आपने मेरी सेकंड वीडियो देखी, उसमें पता चल गया था कि नेगेटिव से आप क्वाड्रेंट पता लगा सकते हो, लेकिन वैल्यू पता नहीं लगा सकते। तो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए कुछ रूल्स हैं, ये रूल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, तो इस रूल्स को तो कभी मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है। रूल्स वेरी इजी है, हम अपने साइन फंक्शन से जुड़ते हैं, साइन फंक्शन, इस साइन फंक्शन में एंगल नेगेटिव होता है तो उसका नेगेटिव बाहर आ जाता है और फंक्शन क्या बन जाता है, पॉजिटिव, इसका मतलब ये बन जाएगा -sin θ। ऐसे साइन फंक्शन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट, कोसिकेंट में भी यदि आपका एंगल नेगेटिव होता है
तो भी नेगेटिव बाहर आ जाता है, तो क्या बन जाता है ये नेगेटिव कोसेकेंट थीटा। अब अगला कौन सा है टेंजेंट, यदि आपका टेंजेंट में भी नेगेटिव एंगल आ जाता है तो ये भी नेगेटिव बाहर आ जाता है और एंगल क्या बन जाता है पॉजिटिव। सेम टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है कोट, कोट में यदि नेगेटिव एंगल आ जाता है वो भी सेम बन जाता है नेगेटिव बाहर आ जाता है कोट थीटा। लेकिन इनके चारों के अलावा अब दो फंक्शंस रह गए, एक कोस फंक्शन और एक व्हाट कोस का रेसिप्रोकल सेकेंड, आप उस पर ध्यान दीजिए। यदि कोस फंक्शन नेगेटिव आ जाता है तो भी ये हमें पॉजिटिव ही वैल्यू देता है, कोस फंक्शन को नेगेटिव करने से उस पर फर्क नहीं पड़ता, वो क्या होता है सिमेट्रिकल होता है, हम आगे पढ़ेंगे इसको, इट्स वेरी इजी। क्या होता है पॉजिटिव होता है तो ये क्या देगा आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। ऐसे कोस का रेसिप्रोकल सेकेंड नेगेटिव थीटा, ये भी आपको क्या देगा पॉजिटिव वैल्यू देगा, सेकेंड थीटा पॉजिटिव वैल्यू देगा। इसका मतलब ये रूल्स काफी इंपॉर्टेंट है, अब इस रूल को पता हो तो नेगेटिव एंगल क्या करेगा, नेगेटिव एंगल तो इजीली सोल्व कर सकते हो, कैसे माइनस है और आपको पता है टेंजेंट में यदि नेगेटिव एंगल होता है तो नेगेटिव कहाँ है बाहर आ जाता है, तो हम बहुत सी स्टेप को करेंगे, तो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट करिए स्टार्ट, आप इसको सोल्व करना कितना इजी क्वेश्चन हो गया। नेगेटिव है तो इसको क्या लिखेंगे नेगेटिव बाहर आ गया एंगल क्या बन गया पॉजिटिव। अब हम उस पर रूल अप्लाई करेंगे, टेंजेंट पहला स्टेप क्या था इसको ब्रेक करना, क्या लिख सकते हैं उसको 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब इसको क्या लिख सकते हो पहले देखिए फ्रंट 35 कोस का क्वाड्रेंट सेकंड, और सेकंड में टेंजेंट क्या होता है नेगेटिव होता है, तो इसका नेगेटिव लगाइए, हमने नेगेटिव लगाया। अब 90 डिग्री आ गया, 90 पे फंक्शन चेंज होता है तो टेंजेंट किस में चेंज हो गया कोट में चेंज हो गया, एंगल कितना डिग्री का है 45 डिग्री है तो 45 एचडी लिख देंगे। अब नेगेटिव नेगेटिव क्या बन गया पॉजिटिव बन गया, कोट 45 कितना होता है 1, तो आपका आंसर क्या आ गया 1 आपका आंसर आ गया। तो इस टाइप से कोई भी एंगल क्यों ना हो नेगेटिव पॉजिटिव सब आप निकाल सकते हो वेरी क्विकली, सो प्लीज मेक अ नोट। अब सपोज करिए क्वेश्चन और भी लेते हैं टफ सा थोड़ा सा, आपको फाइंड करना है, अब मैं सपोज कर लेता हूं कॉस ले लेते हैं, कॉस के बजाय मैं नीचे सेकेंड ले लेता हूं सेकेंड और माइनस 480 डिग्री ले लेता हूं। आपको इसका आंसर निकालना है, इट्स वेरी इजी। सबसे पहले देखिए नेगेटिव एंगल है इसको पॉजिटिव बनाना है, और आपको पता है कैसे बनाएंगे सेकेंड फंक्शन क्या होता है कोस और सेकेंड, तो फंक्शन ऐसे होते हैं जो नेगेटिव में भी क्या देते हैं आपको पॉजिटिव देते हैं, इसका मतलब ये नेगेटिव क्या हो जाता है इनका रिमूव हो जाता है, तो आपको क्या मिलेगा सेकेंड 480 मिलेगा, लेकिन ये एंगल क्या है 180 से सॉरी 360 से ज्यादा है, आपको रूल पता है सेकेंड वीडियो में कैसे चेंज करते थे 360 से डिवाइड करके, सो यदि हम 480 को 360 से डिवाइड करते हैं तो किस पे जाएगा ये 1 पर, क्या वैल्यू देगा आपको 120 देगा। तो आप ब्रेक करिए सबसे पहले इसको सेकेंड क्या लिखेंगे 1 into 360 डिग्री प्लस में रिमाइंडर इज व्हाट 120 डिग्री, और आपको रूल याद है नहीं याद है तो मैं दोबारा बता देता हूं, अदरवाइज आप वीडियो को 2-3 बार देखिए तब तक रूल याद हो जाएंगे आपको, साइन कोस टेन साइन हो या कोस हो या सॉरी कोसेकेंट थीटा या कौन सा हो गया कोट सॉरी कोस नहीं सेकेंट, साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट आपको दिखाई नहीं दे रहा तो उसे एक बार रख कर देता हूं। आपको पता है 360 वाले पे क्या होता है हमने ये रूल पढ़ा था ना साइन n into 360 डिग्री प्लस थीटा किसके इक्वल होता है ये 360 आ जाए तो साइन थीटा, क्यों क्योंकि मल्टीपल ऑफ 360 से वापसी वही क्वाड्रेंट आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पे साइन हो या यहाँ पे क्या हो साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट हो या यहाँ पे कोस हो या कोस का रेसिप्रोकल क्या हो सेकेंट हो, सभी ये इसी का पीरियड होता है क्योंकि ये सन का सबका पीरियडिक पीरियड कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का, सो इसलिए 360 इंटू 1 आपको क्या देगा सेकेंट 120 देगा, तो इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं हम
सेकेंड 120 डिग्री। अब ये जो हमारा 480 था, बड़ा क्वाड्रेंट था, वो किस में चेंज हो गया, 120 में चेंज हो गया। इट्स इजी, अब 120 को कैलकुलेट कर सकते हो। नहीं समझ आता दोबारा देख लो, पहले 360 से डिवाइड कर दीजिए, जो मल्टीपल ऑफ 360 होता है उसको हटा दो, आपका सेकंड सेकंड रह गया और 120 120, तो आपका आंसर क्या आ गया, सेकंड 120। अब रूल देखिए, वही रूल था, सेकंड 120 को आप कैसे लिखोगे, 90 प्लस 30, तो आपने इसको क्या लिखा, सेकंड 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। कौन सा क्वाड्रेंट है ये 120 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, तो ये क्या देगा आपको, नेगेटिव वैल्यू। 90 पे चेंज होता है, सेकंड किस में चेंज होता है, कोसेकेंट में, एंगल इज एज इट इज, और कोसेकेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2, तो आपका आंसर क्या मिल गया, 2, और ये नेगेटिव एज इट इज, तो आपका आंसर क्या आ गया, -2। तो इसलिए कोई बड़ा एंगल आ जाए तो नेगेटिव आ जाए तो आपको पता चल गया कैसे रिमूव करना है, बड़ा एंगल आ जाए तो 360 से कन्वर्ट कर सकते हो, और उसके बाद स्मॉल एंगल आ जाए उसको आप चेंज कर सकते हो। तो कोई भी एंगल क्यों ना हो, आप कितना से कितना टिपिकल क्वेश्चन क्यों ना हो, वो आप इन रूल से आप सॉल्व कर सकते हो। सो प्लीज मेक अ नोट। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की किसी भी एंगल पर वैल्यू फाइंड आउट करना। इट्स वेरी इजी था, काफी आसान था, आपको समझ आया होगा। यदि आपको रियली में अच्छी वीडियो लगी तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल गौरव गुप्ता मैथ क्लासेस। तो इस साइड से जो रूल्स है, मैंने जो स्पेशल लिस्ट बनाई हुई है ट्रिग्नोमेट्री रूल्स एंड ऑल कॉन्सेप्ट, तो मैं इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करते करते हर रूल्स को स्पेसिफाई करूंगा। तो आपको यदि रूल्स में कोई डाउट है तो उसको 1 2 3 करते हुए आप देखते जाइए, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री इजी लगेगी। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि रूल को अंडरस्टैंड करना है। यदि आप एक ही बार वीडियो को मेरी देख लोगे तो मैं 100% श्योर हूँ कि आप उसका क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का क्या है, लर्निंग है विदाउट क्रैमिंग है, तो आप बिल्कुल इजी वे से आसानी से आप याद कर सकते हो, कभी भी इस चीज को भूलोगे नहीं। सो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल। सो वी विल मीट वेरी सून।